तो दिस क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स। तो अपन को 2 पॉइंट फॉर्मूला पता है स्लोप निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू, एम क्या है यहाँ पे, स्लोप है, ठीक है। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। तो ये एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये हो गया अपना जनरल फॉर्मूला। अपन पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है 3 माइनस 2 एंड 7 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे एम कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस माइनस टू अपॉन 7 माइनस 3, ठीक है। ये हो गया अपना एक्स वन, ये हो गया अपना एक्स वन, ये हो गया बाई सॉरी ये हो गया एक्स टू, और ये हो गया वाई टू, और ये हो गया एक्स वन, और ये हो गया वाई वन, ठीक है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 अपॉन 4, विच इज फर्दर इक्वल टू 0। तो अपना स्लोप क्या आ गया, 0। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के पॉइंट्स हैं 3 माइनस 2 और 3 और 4। 3 माइनस 2 एंड 3 कॉमा 4। तो यहाँ पे एम की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3, विच इज फर्दर इक्वल टू 6 अपॉन 0। और जब भी अपन 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है, तो इसका स्लोप होगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, इसका इंक्लिनेशन होगा 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑप्शंस पार्ट सी। तो ये है अपना 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 एंड -1 कॉमा 4, ओके। तो इसमें अगर एम निकालेंगे तो एम हो जाएगा अपना 4 माइनस माइनस 2 अपॉन -1 माइनस 3, विच इज फर्दर इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 अपॉन -4, ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2। तो अपना स्लोप आ गया -3/2। अब फोर्थ पार्ट करेंगे डी। तो ये है इसमें 4 माइनस 2, 4 माइनस 6 है, 2 नहीं है, 4 माइनस 6, और दूसरा पॉइंट दिया है -2 -5, ठीक है। तो इसमें अगर अपन एम निकालें तो ये हो जाएगा -5 -6 अपॉन -2 -4, विच इज फर्दर इक्वल टू, ये आ जाएगा अपना 1 अपॉन -6, ओके। तो दिस आर रिक्वायर्ड आंसर।